तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। मैं भी तो उसी दर्द से गुजर रहा हूँ ना आकाश। मैंने भी तो अपने बच्चे को खोया है ना आकाश। करो, मेरा भी तो बेटा कहाँ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा है। कशु करो, मेरा भी तो तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा नहीं है और ना कभी हो सकता है। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि तुम 6 साल थे उसके साथ। तुमने बाप होने का एहसास महसूस किया है। जब करुण छोटा था, बच्चा था, तुमने उसे अपनी गोदी में उठाया, उसके साथ खेले हो तुम। तुमने उसे बड़ा होते हुए देखा है अर्जुन। जब उसने अपना पहला शब्द बोला था, तुमने वो सुना है। जब वो पहली बार घुटनों से उठ के खड़ा हुआ था, जब उसने अपना पहला कदम लिया था, तुमने वो सब देखा है। एक बाप होने का एहसास महसूस किया है तुमने। लेकिन मैंने तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया ना अर्जुन। और जब मुझे लगा कि मैं करुण के साथ कुछ मेमोरीज बनाऊंगी, मैं उसके साथ जीऊंगी, तुमने तो वो भी नहीं होने दिया। एक माँ होने के नाते मैंने उसे हक तक नहीं किया अर्जुन। करुण के साथ एक माँ वाली कोई मेमोरीज ही नहीं है मेरे पास, कोई एहसास ही नहीं है मेरे पास, और ना ही अब कभी हो सकता है। तुमने छीना है मुझसे वो एहसास अर्जुन। तुम्हारी वजह से मैं वो चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी। पिछली रात ही मुझे पता चला था कि करुण मेरा बेटा। कितना कुछ सोचा था मैंने, लेकिन आपने आज ही उसे मुझसे छीन लिया। आज ही हमेशा हमेशा के लिए मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। आप इतनी बेरहम, इतनी कठोर कैसे हो सकती है? क्यों किया आपने ऐसा? आपको इतने करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं नहीं रुकूंगा तुम्हें, लेकिन काशु तो स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। काशु, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। नहीं सर, आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। इनफैक्ट आपको तो एहसास भी नहीं है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था ना सर, मैंने आपसे कहा था कि कमाल को उसके ड्रग्स दे देते, लेकिन आपने अर्जुन का साथ दिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।